अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर? एक न्यू लेक्चर के साथ हम हाजिर हुए हैं और क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं, रोल ऑफ लीवर। तो बात करते हैं हम रोल ऑफ लीवर की। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें पता चलेगा बेसिकली जो लीवर है वो क्या है। तो लीवर के बारे में वो पहली बात ये बता रहा है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हम इसे कह सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड है। अपीयरेंस की इसकी बात करें तो मल्टी लोब, तो लॉब शेप, जैसे कि ये लॉब शेप है तो मल्टी लॉब शेप भी होता है। डार्क रेडिश कलर का ये हमारे पास मौजूद है, प्रेजेंट होता है बीनीथ द डायाफ्राम। तो अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा रिब्स यानी कि जो हमारे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायाफ्राम, उसके बीनीथ जो है इसके प्रेजेंट होना है। फिर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, तो ये जो हमारा एब्डोमेन रीजन है डायाफ्राम के नीचे उसके राइट साइड पर, आप अपने राइट हैंड से देखें तो उसके राइट साइड पर जो है ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, वेट की बात करें तो 1.5 केजी का वेट है। साइज इसका ऑलमोस्ट एक फुटबॉल के साइज के जितना होता है। अब लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड क्यों कहते हैं? इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं प्रेजेंट है। गॉल ब्लैडर इज अ पियर शेप ग्रीनिश येलो सैक, ग्रीनिश येलो इसका शेड होगा और ये सैक थैलीनुमा चीज है। लाइज राइट टॉप ऑफ द लीवर, तो लीवर के जो है डायग्राम में आप देख सकते हैं राइट टॉप पर है और वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पर। ठीक है, तो डॉर्सल नहीं है, वेंट्रल साइड है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इसकी ये वेंट्रल साइड और ये इसकी डॉर्सल साइड, सॉरी ये डॉर्सल और ये इसकी वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड पर ये मौजूद होगा। अब लीवर के बारे में वो कह रहा है कि ये गॉल ब्लैडर रखते हुए एक बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस जो है वो लीवर के अंदर बनता है, बाद में इसे स्टोर कर लिया जाता है गॉल ब्लैडर में। बाइल होता क्या है? लीवर स्क्रीट बाइल स्टोर इन गॉल ब्लैडर, जिसे वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रहा है। फंक्शन के लिहाज से इसके पास कोई एंजाइम नहीं है, बट हैव अ बाइल सॉल्ट, इसके अंदर बाइल सॉल्ट है जो कि लिपिड की डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। बाइल जो है एक डक्ट, एक नाली जिसका नाम बाइल डक्ट है, उसके जरिए गॉल ब्लैडर से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट के जरिए वो बाइल मूव कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। तो फंक्शन ऑफ लीवर में जो हमारा पास आ रहे हैं इसके वेरियस फंक्शन है। एक तो ये भी इसका फंक्शन में ही आता है जो इमल्सिफिकेशन है, इसी के साथ इसके कुछ अदर फंक्शन भी हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डी एनिमेशन। डी एनिमेशन यानी कि अमाइनो ग्रुप का